जब कभी भी सडनली कोई सांप का नाम भी लेता है तो सामने वाले को तो ऐसा लगता है जैसे उसकी जान जाने ही वाली है बट टूडे द पोएम वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिस्क्राइबिंग दैट कैसे स्नेक भी लोगों का विक्टिम हो जाता है यू you नो know, हम लोग सोचते हैं कि सांप से हमें खतरा है बट एक्चुअली इफ वी एनालाइज इट प्रॉपरली देन ह्यूमन बीइंग से स्नैक्स को भी खतरा होता है और कैसे एक स्नैक अपने आप को सेव करने की कोशिश करेगा हाउ ही विल स्ट्रगल दिस इज इंडिकेटेड बाई द पोएट एंड हिज नेम Is WWE Ross, okay? तो आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं वो है द स्नेक ट्राइंग जो कि क्लास नाइन का ही एक चैप्टर है एक पोएम है तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एनी अदर लेसन फ्रॉम मी देन प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड प्लीज रिकमेंड स्टडी टेबल अमॉन्ग योअर क्लासमेट एंड वेलकम ऑल ऑफ यू दिस आरथी सर्म एंड योर वॉचिंग स्टडी टेबल चलिए हम पोएम को शुरू करते हैं द स्नेक ट्राइंग ओके एट फर्स्ट सी दैट वॉट इज रिटर्न हियर मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नैक्स एज हियर सम सिम्बल ऑफ़ डेथ बट द स्नैक इन दिस पोएम इज़ इट्स सेल्फ अ विक्टिम तो हम लोगों में से काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि स्नैक क्या है एक बहुत डरावना सिम्बल है डेथ का जैसे ये सामने आएगा तो हम लोग सोचेंगे कि अब हमारी जान ही जाने वाली है बट एक्चुअली इस पोएम में हम देखेंगे कि स्नैक ही कैसे अच्छा खासा विक्टिम बन जा रहा है ह्यूमन बींग्स का ओके ओके okay, चलिए अब हम पोएम शुरू करते हैं और इसे समझते हैं द स्नेक ट्राइंग टू स्केप द स्टिक ओके okay, देखिए यहाँ पर एक स्नेक है जो कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है किस चीज़ से स्टिक से और वो स्टिक उसका पीछा कर रही है यहाँ पर एक्चुअली कोई स्टिक पीछा नहीं कर रही है एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग है जो कि स्टिक लेकर इस स्नेक को मारना चाहता है और इस चीज़ से अपने आप को स्नेक बचा रहा है और इसीलिए यहाँ पर इसे परसुइंग स्टिक बोला गया है तो आप ये जो देख रहे हो ना कि स्टिक पीछा कर रही है बट एक्चुअली एक ह्यूमन बींग पीछा कर रहा है तो इसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं ओके अब नेक्स्ट देखिए विथ सर्डन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी और इसके यहाँ पर स्नेक का डिस्क्रिप्शन दिया गया है स्नेक में क्या है सर्डन कर्विंग्स है अचानक से ऐसे जो टेढ़ा मेढ़ा जो चलता है थिन लॉन्ग बॉडी और इसकी बॉडी कैसी है थिन है और बहुत लॉन्ग है हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर ही शेप्स देखिए पॉइट यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन है स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है जैसे हम किसी अ, अच्छी चीज़ को देखकर या फिर जो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती है चाहे वो ह्यूमन बींग हो चाहे एनिमल्स हो तो हम उसे क्या बोलते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल है तो यहाँ पर स्नेक को ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल डिस्क्राइब किया गया है अब हम कंटिन्यूअसली ये देख रहे हैं दैट पॉइट इज़ ट्रीटिंग द स्नेक एज इफ इट इज़ अ ह्यूमन बींग ऐसा लग रहा है जैसे ये ह्यूमन बींग है तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है ना इसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन जब किसी नॉन लिविंग थिंग को या फिर किसी ऐसे एनिमल को जो कि एक्चुअली ह्यूमन नहीं है लेकिन उसे ह्यूमन बींग की तरह दिखाया जाता है तब हम उसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा नेक्स्ट हम शुरू करते हैं देखिए ही ग्लाइड्स थ्रू द वॉटर अवे फ्रॉम द स्ट्रॉक तो जब वो स्टिक उसे मारने की कोशिश कर रही है उसे स्ट्राइक कर रही है तब ये क्या करता है स्नेक ग्लाइड्स थ्रू द वाटर ग्लाइड्स क्या होता है फ्लोटिंग ओके okay? फ्लॉट करके वाटर में भागने की कोशिश करता है फ्रॉम द स्ट्रॉक किस चीज़ से भागता है ये जो स्टिक के ऊपर स्टिक जो उसके ऊपर अगैन एंड अगैन अटैक करने की कोशिश कर रही है उससे स्नेक अपने आप को छिपा कर भाग रहा है ओ लेट हिम गो ओवर द वॉटर इन टू द रेड्स टू हाइड विदाउट हर्ट देखिए ओके देखिए यहाँ पर पॉइंट सीधे सीधे बोल रहे हैं ओ लेट हिम गो इसे जाने दो ओके हिम यहाँ पर ट्रीट करें अगैन वही हम देख रहे हैं पर्सोनिफिकेशन आए हैं ओवर oh, द वॉटर किस किधर जाने दो बिकॉज वो वाटर में जाने की कर रहा है इन टू द रेट्स वाटर में जाने दो और उसके बाद वो रेट्स में जाना चाहता है वॉट इज रेट्स रेट्स का भी एग्जाम यहाँ पर इमेज दिया हुआ है आप देखिए इस टाइप के प्लांट्स को एंड बसेस को हम रेट्स बोलते हैं तो द पॉइंट इज सेंग दैट इन टू द रिट्स टू हाइड विदाउट हर्ट ये रिट्स में जाना चाहता है बिना किसी को हर्ट किए एंड ईवन बिना हर्ट हुए किसी से तो इसे जाने दो इसके रास्ते में मत आओ स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन वट द पॉइंट इज सेंग हीर दैट ही इज स्मॉल एंड ही इज ग्रीन द कलर ऑफ द स्नैक इज ग्रीन तो ये जो स्नैक है ये ग्रीन कलर का है और इसीलिए ये बाकी चिल्ड्रन्स के लिए हार्मलेस है होता है ना कि कितने सारे स्नैक्स में उतने उस लेवल का पॉइजन नहीं होता है तो शायद पॉइट इसे यहाँ पर यही डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं अलॉन्ग सैंड ही ले अनटिल ऑब्जर्व तो देखिए यहाँ से ये यह जो स्नैक है उस ह्यूमन बींग से उस पर्सन से जैसे तैसे बच के आया है और अब यहाँ पर ये यह एक सैंड पर ओके okay? सैंड जो बालू वगैरह होता है वहाँ पर ये ऐसे ही पड़ा हुआ है अनटिल ऑब्जर्व जब तक कि उसे वापस उस पर्सन ने देख ना लिया एंड और वापस से उसे भगाने की कोशिश नहीं की वापस से उसे इनसिक्योर फील नहीं कराया तब तक वो चुपचाप वहीं पर था एंड नाउ ही और अब वो जो है फाइनली वाटर्स एंड रिवर्स को uh, आप को बचाते हुए सेव करते हुए वो छोटे छोटे ग्रीन स्लिम रिड्स में चला गया है रिट्स अगेन वही बुस जो प्लांट्स होते हैं तो इसमें ये चला गया है और फाइनली अपने लाइफ को सिक्योर करने में सक्सेस हो गया है सो दिस वॉज द पोएम रिटर्न बाई रॉस अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है देन प्लीज टू सब्सक्राइब एंड रिकमेंड स्टडी टेबल अमॉन्ग योर फ्रेंड्स इसके साथ ही हमने यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो लिटरेरी डिवाइसिस इसमें यूज हुए वो भी हमने देखा एंड थैंक यू वंस अगैन